हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है। रबर के पौधे से लेटेक्स प्राप्त करते हैं और उस लेटेक्स से हम लोग नेचुरल रबर प्राप्त करते हैं। फिर नेचुरल रबर को उसमें केमिकल मिलाकर उसे यूज के लायक बनाते हैं, जिसे सिंथेटिक रबर कहा जाता है। और उसमें हम लोगों ने डिफरेंस भी पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो नेचुरल रबर हम रबर के पौधे से प्राप्त करते हैं उसको यूज के लायक कैसे बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को स्टूडेंट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था कि पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर का यूज करते हैं, मोनोमर से पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बनने में जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसी प्रकार से नेचुरल रबर से सिंथेटिक रबर बनाने में, नेचुरल रबर से सिंथेटिक रबर बनाने में जो प्रोसेस अपनाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। स्टूडेंट्स, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को हम अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे कि नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, चिपचिपा होता है। जो भी नेचुरल रबर होता है, रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है, वो बहुत ही चिपचिपा, सॉफ्ट, मुलायम होता है। बहुत कम टेम्परेचर पर वो पिघलने लगता है। नेचुरल रबर यूज लाइक नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और गर्मी के मौसम में चिपचिपा, द्रव की अवस्था में बदल जाता है। इस कंडीशन में नेचुरल रबर को ना ही ठंडे में सही से यूज कर सकते हैं ठंडे मौसम में, ना ही गर्मी के मौसम में उसको सही से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, यूज नहीं कर पाते हैं। और गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा पिघल जाता है कि गर्मी में भी उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसका हम लोग आसानी से यूज नहीं कर सकते। इसीलिए नेचुरल रबर में कुछ केमिकल मिला जाता है, कुछ मात्रा में दूसरा मटेरियल उसमें मिला के उसे प्रत्येक मौसम में, जितना भी मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्द का मौसम हो, सभी मौसम में, सभी सीजन में, सभी टेम्परेचर पे उसे यूज करने लायक बनाया जाए, इसके लिए उसका वल्कनाइजेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, रबर को हार्ड बनाने में, सॉफ्ट होता है, नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है, जब उसका वल्कनाइजेशन होता है तो वल्कनाइजेशन के क्रम में उसमें स्टूडेंट्स गंधक मिलाया जाता है। नेचुरल रबर में गंधक मिलाकर उसे वल्कनाइजेशन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर में अगर हम लोग 1 से 5% तक गंधक मिलाते हैं, गंधक जानते ही होंगे आप लोग, 1 से 5% ना, नेचुरल रबर में अगर ये नेचुरल रबर है स्टूडेंट्स, ये नेचुरल रबर है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें 1 से 1% से 5% तक गंधक मिला दिया जाए तो ये स्टूडेंट्स रबर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब इसमें स्टूडेंट्स गंधक की मात्रा 30% तक मिला दिया जाए तो ये हार्ड हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। 160 से 170 डिग्री परसेंटेज पे स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो रबर को हम प्रत्येक मौसम में एक प्रकार का पदार्थ, मटेरियल तैयार करने के लिए उसमें गंधक मिलाया जाता है। जैसे स्टूडेंट गोल्ड का ले लीजिए एग्जांपल, सोना का, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है, उससे किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। प्योर गोल्ड, ठीक है, 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट सोना से किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उस सॉफ्टनेस को कम करने के लिए उसमें हम कॉपर मिलाया जाता है स्टूडेंट्स, तांबा ना सर, वही मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट का सोना होता है, 2 कैरेट उसमें दूसरा मटेरियल मिला के
उसे हार्ड बनाया जाता है ताकि उसका आभूषण बनाया जा सके। अपने मनपसंद का जो भी चीज़ बनाना चाहो वो बन सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट जो नेचुरल रबर होता है उससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल तैयार करते हैं जो हम लोगों के लिए यूज में लाया जाता है। इसके लिए उसमें गंधक मिलाया जाता है। जितना मुझे हार्ड बनाना, जितना अधिक गंधक रबर में मिलाया जाता है वो रबर उतना हार्ड होता है। बहुत सॉफ्ट पहले है, उसमें कम गंधक मिलाएंगे तो थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगा, कम हार्ड होगा। ज़्यादा गंधक मिलाएंगे तो ज़्यादा हार्ड होगा। तो जिस प्रकार का मुझे मटेरियल चाहिए उसके रेशियो में, उसके अनुसार उसमें उतना परसेंटेज गंधक मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, क्या जरूरी है। कभी कभी पूछता है कि वल्कनाइजेशन, रबर का वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं। तो रबर का वल्कनाइजेशन इसीलिए करते हैं ताकि उसको प्रत्येक सीजन में, सभी सीजन में यूज में लाया जा सके। और वल्कनाइजेशन करने के लिए स्टूडेंट्स उसमें गंधक की कुछ मात्रा मिलाया जाता है। गंधक की जितनी अधिक मात्रा मिलाएंगे रबर उतना कठोर होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग आवश्यकता के अनुसार उसमें उतना परसेंटेज गंधक मिलाते हैं ताकि रबर का यूज हम लोग सभी मौसम में कर सकें। तो स्टूडेंट्स, नोट में हमने अच्छे से लिख दिया है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कैसे किया जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, रबर के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे बूना एस, बूना एन, नियोप्रीन, ये सब क्या है, रबर का टाइप्स है। जैसे बूना एस का मोनोमर होता है ना, ऐसे लिखा रहेगा स्टूडेंट्स, बूना एस ना, कहीं कहीं लगेगा कि पांच लिखा है, फाइव नहीं है, बूना एस, ठीक है। तो बूना एस का जो मोनोमर होता है स्टूडेंट्स वो होता है ब्यूटाडाइन एंड स्टेरिन। कहीं कहीं आईपीसी नाम लिख देते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन ना, 1,3-ब्यूटाडाइन, या फिर डायरेक्ट लिखो ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन का जब स्टूडेंट्स स्टेरिन के साथ स्टेरिन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो गुणा एस बनता है। ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन का रिएक्शन स्टेरिन के साथ करेंगे स्टूडेंट्स तो गुणा एस बनेगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट बूना एन भी होता है, बूना एन का स्टूडेंट्स ब्यूटाडाइन ही होता है, ब्यूटाडाइन। अब कहीं लिखे थे एल्कोलोलाइन, ऐसे करके कुछ होता है दूसरा, उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट बूना एन बनता है। उसके बाद होता है न्यूप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन। या फिर वाय होता है न्यूप्रीन, देख लीजिए इसके लिए, न्यूप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन से न्यूप्रीन बनता है स्टूडेंट्स। और रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, रबर है ना, इस रबर का होता है आइसोप्रीन। तो रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, न्यूप्रीन का होता है क्लोरोप्रीन, बूना एस का होता है ब्यूटाडाइन, और बूना एस का भी होता है ब्यूटाडाइन। तो स्टूडेंट्स ये सब याद रखिएगा, बूना एस बूना एन रबर का टाइप है, न्यूप्रीन भी रबर का टाइप है, और रबर का आइसोप्रीन होता है मोनोमर। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग मिलेंगे आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पॉली एक्सक्लूजन रूल, उसके बाद अपवाउ रूल ना, हुंस रूल, उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितने लेयर है उसके बारे में, बोर्स थ्योरम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, कल वीडियो बनेगा, आज इतना ही, थैंक यू।